हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे. मेरी हालत देखिए, क्योंकि मैं अभी पूरे घर की सफाई करके आई. जब तक अयान सो के उठ गए थे तो मैंने इसको फिर नहलाया धुलाया, नहला धोया, तैयार किया. तो ये आके आप लोगों से कुछ बोल रहा था कि मैं नहा धो के आ चुका हूँ. जाने क्या बड़बड़ाने लगा था, आपके घर पर नाश्ता क्या बना है? और उसके बाद तुरंत आके मैंने अभी पूजा की है, भगवान जी ने लाए हैं, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो इनका व्रत भी है. और उसके बाद मैंने इनसे बोल दिया था, मैं काम कर रही थी, कि आलू बॉईल करने के लिए रख दो, तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा पानी डाला है. आप लोगों को कुकर में दिख रहा होगा. और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दी ये वाला कुकर नहीं यूज़ करना चाहिए, तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में ज़्यादा कि ये मतलब नुकसान करता है. पहले भी मेरे पास इसी वाले मटेरियल का था, तो वही वाला ये लेके आ गए हैं हॉकिंस का. और फिर अगर ये चीज़ नुकसान करती है तो फिर कंपनी वालों को फिर बेचना ही नहीं चाहिए ना, ये चीज़ भी है. तो अभी मैंने इनके लिए घी के आलू फ्राई किए हैं, साथ में दही रख दिया है. और मैं देख रही थी कि तैयार हो रहे थे, तो पता नहीं क्या कर रहे थे, चटाई में जूते को पोंछ रहे थे, तो मैंने कहा पता नहीं क्या पोंछ डाला. तब ये बता रहे थे फेविक्विक लेके उसको चिपका रहे हैं, कुछ उसका निकल गया है तो उसी को सेट करने में लगे. कल दो फेविक्विक लेके आए थे. क्या उपट गया था, दिखाओ. तो थोड़ा बहुत निकला है. तो इनका ये टिफ़िन मैंने ये रख दिया है टिफ़िन बैग में. और उसके बाद दूध नहीं गर्म किया था, क्योंकि चाय वगैरह उस दूध से बन गई थी जो कल का रखा हुआ था. तो अभी मैंने ये ताज़ा वाला दूध रखा है गर्म करने के लिए. और दूध गर्म करने के बाद में, और मैं अभी दोपहर के टाइम पे मुझे एक मेकअप लुक क्रिएट करना था, तो मैंने अपनी ये वाली साड़ी निकाली है, मुझे बहुत सुंदर लगती है. मैंने पहनी है अभी ये वाली साड़ी और ये वाला मंगलसूत्र, जो कि इसमें काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये लॉन्ग है. तो और ये देखिए बाल भी कैसे उलझे पड़े हैं, सुबह से कंघी भी नहीं की है. मेरा फेस पहले से क्लीन हो रहा है, सुबह मैंने फेस वॉश किया था, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर लगाया था. लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम शादी पार्टी के लिए नॉर्मली किसी ओकेशन के लिए मेकअप करते हैं तो हमें कई सारी चीजें लगानी पड़ती है. प्राइमर लगाना पड़ता है, फिर फाउंडेशन लगाना पड़ता है, क्योंकि प्राइमर नहीं लगाते हैं तो फाउंडेशन अच्छे से मिक्स नहीं होता है. लेकिन अभी मैं ऐसा हैक बताऊंगी जिससे कि आपको प्राइमर नहीं लगाना पड़ेगा, कोई सीरम नहीं लगाना पड़ेगा, तीनों काम आपके फाउंडेशन में ही होंगे. क्योंकि आपने देखा होगा जो कोरियन लोग मेकअप करते हैं उनका मेकअप बहुत ग्लो करता है, बहुत ज्यादा ग्लो आता है, जबकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट लगाते हैं और उतना अच्छा ग्लो नहीं आ पाता है. तो ऐसे हैक से हम फटाफट से कोरियन गर्ल जैसा ही मेकअप कर सकते हैं, एकदम ग्लोइंग वाला मेकअप. अभी मैं अपने फेस पे यूज़ करने जा रही हूँ NYVA का 3-in-1 फाउंडेशन, क्योंकि इसमें प्राइमर भी है, सीरम भी है, फाउंडेशन भी है, तीनों ही चीज़ें हैं, इसलिए आपको अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है. और इसमें सीरम है इसलिए आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है इसको यूज़ करने के बाद में, और साथ में प्राइमर है इसलिए स्किन स्मूथ भी लगती है. तो अभी मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से इसको डप डप करके लगा लिया, उसके बाद में मैं इसको मिक्स कर लूँगी. और आप लोग देखिएगा इसको लगाने के बाद में पहले मेरी स्किन कैसी थी, मतलब कितना डल फेस लग रहा था, और लगाने के बाद आपको खुद ही ग्लो दिख गया होगा. अभी केवल फाउंडेशन लगाया जबकि मैं, तो ओनली फाउंडेशन यूज़ करके स्किन में बहुत ग्लो आ गया है, बहुत ही ग्लोई लग रहा है मेरा फेस. और चलिए थोड़ा सा मेकअप और कर लेते हैं. उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है, और हाइलाइटर लगा के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है. फिर मैंने थोड़ा सा ब्लश लगा लिया है ताकि थोड़ा सा पिंकनेस आ जाए. उसके बाद मैंने फाइनली यहाँ पर लिपस्टिक लगा ली है, बिंदी लगा ली है. तो ये मेरा मेकअप लुक कम्प्लीट हो गया है. और उसके बाद मैं सोच रही थी मैं कंघी बाल में कुछ हेयर स्टाइल तो बना लूँ, लेकिन मेरे बाल थोड़े से उलझे हुए थे, तो मैंने फटाफट से कंघी करके बस ऐसे खुले ही बाल छोड़ दिए हैं. तो लग रहा है ना एकदम कोरियन मेकअप जैसा, ग्लो ग्लोई मेकअप. आप पहले देख रहे थे मेकअप से पहले मेरा फेस, और अब देखो कितना ग्लो कर रहा है. तो दोस्तों आप भी कोरियन मॉडल जैसा मेकअप अपने बजट में चाहते हैं और NYVA का ये 3-in-1 फाउंडेशन मंगवाना चाहते हैं, इसमें आपको और भी सेट मिल जाएंगे अपने स्किन के अकॉर्डिंग, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं. और ये प्रोडक्ट आपको मेरे वीडियो के टैग प्रोडक्ट पर भी मिल जाएगा मेरे शॉपिंग कार्ट पर. और इसी के साथ NYVA पर चल रहा है अभी ऑफर बाय वन गेट वन. आप NYVA से 30 सितंबर तक कुछ भी मंगवाते हैं तो आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा, तो ऑफर का लाभ जरूर उठाइए. और यहाँ पर कल का कुछ दूध रखा हुआ था, तो मैंने कहा उसका पनीर बना के रख देती हूँ, बना के रख देती हूँ, फिर जो भी बनाना होता है कभी अगर मैं तैयारी बना रही हूँ तो उसमें डाल देती हूँ, या फिर सब्जी में काम आ जाता है. और ये इसकी जो रिमोट वाली कार थी, रिमोट कार इसको दी नहीं थी उस दिन, बर्थडे वाले दिन लाए थे, तो आज मैंने इसको निकाल के दिए, क्योंकि इसको जो जो चीज़ें मिल जाती हैं वो इनको बहुत जल्दी तोड़ देता है, एक ही दिन चलती हैं, इसलिए नंबर वही नंबर इसको दिया है एक एक चीज़. तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल लेगा, उसके बाद में उसका वो डिब्बा रखा है तो उसी में उसको
पैक करके रख दूंगी, एक घंटे खेलने के लिए मैंने दे दिया इसको। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, कुछ किचन के काम पड़े हुए थे, तो मैं आ गई थी चेंज वगैरह करके, ये गैस वगैरह सब क्लीन करनी थी, कुछ बर्तन डले थे धोने के लिए। तो आलस कर जाती हूँ मैं कभी कभी, तो काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं, वरना तो मैं तुरंत ही तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो पहले आलू फ्राई किए थे, फिर खाना वाना बनाया था, तो पूरा गैस चूल्हा सब कुछ गंदा पड़ा था, तो अभी मैंने गैस वगैरह साफ़ की। उसके बाद कुछ बर्तन वगैरह पड़े थे वो सब धोए, और दोपहर में ही झाड़ू लगा देती हूँ मैं ताकि शाम को ना लगानी पड़े, साथ ही साथ मैंने झाड़ू भी लगा दी है। और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, और अभी मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ। कल हम गए थे श्रावणी के अपार्टमेंट में, वहाँ पर गणेश जी की स्थापना हुई है, जिससे कि रात भर वहाँ पर डांस गेम्स जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं सब इकट्ठे होकर बहुत सारे ये देखे हैं, औरतें अलग अलग तरह के गेम्स करती हैं और विसर्जन भी हो रहे हैं कहीं कहीं। और उसी अपार्टमेंट के बाहर ही विसर्जन भी हो रहा था, क्योंकि कुछ लोग 7 दिन में करते हैं, कुछ लोग 9 दिन में, तो यार डांस आया इतना कि विसर्जन में उसे बच्चों का साथ मिल गया, तो जब से डांस ही कर रहा है, जब तक वो निकल नहीं गए विसर्जन वाले। तो ये देखिए हमें इसी बहाने यहाँ पर प्रसाद भी मिल गया विसर्जन। अभी साड़ी वगैरह चेंज करके आई हूँ, फिर उसके बाद किचन के कुछ काम निपटाने थे, तो साड़ी चेंज करके फिर मैंने सारे वो किचन के काम निपटाए। उसके बाद आई हूँ मैं आप लोगों से बात करने, क्योंकि मेरी भी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तभी मैंने अयान के बर्थडे के बाद मैंने ज्यादा वीडियो ही नहीं बनाया, एक वीडियो ही बनाया था छोटा सा गया, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो एक तो तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर ब्लॉग वगैरह उतना बना नहीं पाते हो, और एक तो तबीयत ठीक नहीं चल रही, उसी टाइम पे हमारे जो लैंडलॉर्ड है ओनर है वो US में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, तो वो जब भी उनको कोई बात करनी होती तो रात में फोन या मैसेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर दिन होता है उस टाइम पे, यहाँ पे उस टाइम पे रात होती है। तो इनके पास फोन आया था, हमारे जो ओनर है उनकी मदर इन लॉ और ओनर की बेटी वो दोनों यहाँ रहेंगे, बाकी वो US में रहेंगे, तो उनका ही फ्लैट है। तो उनका कहना ये था कि आप जो है अपने लिए कहीं और देख लो, और अपने फ्लैट में तो हमारी जो मदर इन लॉ है वो यहाँ रहना चाहती हैं, तो वो यहीं रहेंगी, फिर वो दूसरी जगह किराए पे क्यों रहेंगी। और उन्होंने काफ़ी पहले हमसे कहा था, टाइम भी दिया था कि आप इस टाइम तक खाली कर देना, लेकिन इन काम के साथ में इतने बड़े शहर में तुरंत दूसरा फ्लैट मिलना इतना ईजी नहीं होता है, आप बहुत सारे ब्रोकर वगैरह से बात करते हो, उनको कुछ पे करना पड़ता है, तब जाके वो आपको फ्लैट बताते हैं, इस तरीके से तुरंत आपको घर नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। या ऑनलाइन साइट है बहुत सारी, मैजिक ब्रिक्स वगैरह, वहां पर भी आपको कुछ पे करना होता है तब मिलता है, क्योंकि शहर में इतनी जल्दी फ्लैट भी नहीं मिलता है। और फिर आपको का छोटा चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा था जिसका रेंट भी काफ़ी ज़्यादा था, तो हम सोच रहे थे कि कोई छोटा मिल जाए, तो छोटा भी इस एरिया में मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मकान मालिक है उसका घर है, वो जब चाहे वो आपको निकाल सकते हैं, जब चाहे आपको रख सकते हैं, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की, तो उन्होंने हमें 1-2 महीने का टाइम दिया था कि आप जब तक अपने लिए कोई दूसरा देख लो। तो ये टेंशन और हो गई, मतलब एक समस्या खत्म नहीं होती जब तक दूसरी समस्या आ जाती। इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है, लेकिन वो इतने साफ सुथरे नहीं होते, मतलब ज्यादा, और उतनी ज्यादा उतनी फैसिलिटी नहीं होती, क्योंकि उतना ज्यादा उनका
उनमें काम नहीं होता है, तो बहुत जितने भी लोग हैं इनके जानने में सब लोग अलग ही ऐसे किराए पे लेके रहते हैं, उन वाले में तो बहुत कम लोग रहते हैं, तो यही चीज है। और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी आपका खुद का यहाँ पे फ्लैट होता है, घर होता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन यहाँ बहुत दूर है नॉर्थ से यहाँ पर साउथ में, और यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है वो चीज। इन्होंने कई लोगों से बोल रखा था कि कोई अच्छा फ्लैट मिल जाए तो हमें बताएं ठीक ठाक बजट में। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने एक छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है, मैंने सोचा चलिए आप लोगों से सब डिस्कस करती हूँ और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।